जैसे फालतू में कुछ भी करके जोड़ के एक स्कूटर बना दिया, ऐसे नहीं किया उन्होंने, वो मुझे बहुत पसंद आया। सो दैट इज समथिंग व्हिच यू नो एन इंडियन कंपनी लाइक बजाज कैन। आज मैं ग्रीन में हूँ, पता है क्यों? ये आप देख रहे हो, इट्स अ ऑल ग्रीन डे, यू नो व्हाई? इट्स बिकॉज आज मैं यहाँ पे आया हूँ टू टेस्ट राइड समथिंग इंटरेस्टिंग, दैट इज टू टेक एन एक्सपीरियंस ऑफ द चेतक। सो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, इट्स मी नितीश नियो। व्हाट्सअप, कैसे हो, कसा का है, एंड नमस्कार हे गिदीरा। आई एम क्वाइट श्योर कि आप लोग बहुत ही बढ़िया कर रहे हो। एंड आज यहाँ पे मैं हूँ एट द FC रोड का जो चेतक का जो एक्सपीरियंस सेंटर है, यहाँ पे आया हूँ टू एक्सपीरियंस अ चेतक एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। एक्सपीरियंस बहुत बार हो गया, तो चलिए एक्सपीरियंस करते हैं। Basic information about the Chetak electric vehicle, and you can just go through and explore. Okay, so this is the tab that I have to look into. Yeah, so this is the iPad that we have set it up, and you can go through the virtual demo. Okay. I will give you all the important information with the vehicle, which is the technical information, and also it will play some videos about the particular feature or specification that you want to know. Okay, slide to start. Perfect. Okay. ये वो का मतलब काफ़ी पुराना ऐड है जो चेतक का, मतलब आपको एक फीलिंग देता है। नाइस मैन, और ऊपर पीछे डिस्प्ले में भी आ जाता है सेम चीज़। तो ठीक है, ऐड तो मैंने देखा है, सो आई पुट अ कंटिन्यू। ओके, सो वी हैव ऑल द लैंग्वेजेस हियर, जहाँ जहाँ पे चेतक आपको मिलता है मार्केट में, हर स्टेट का लैंग्वेज यहाँ पे है। सो लेट्स से कि अगर आप गुजरात से हो एंड आप महाराष्ट्र में आए हो, पुणे में आए हो कुछ विजिट करने के लिए, आपको गाड़ी बुक करना है, तो आप गुजरात का गाड़ी जो है आप यहीं से बुक कर सकते हो चाहिए तो, एंड आपके लैंग्वेज में भी आपको मिल जाएगा। सो दैट्स अ बिग एडवांटेज। तो लेट्स से कि अभी मैं मतलब यहीं पे हूँ तो इंग्लिश डाल देता हूँ, तो इंग्लिश फॉर एवरीबडीज अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे आपको मिलती है सारे कलर्स जो है। सो यू हैव द ओके, सो यू हैव द प्रीमियम इंडिगो ब्लू, आपको पता ही है। देन यू गेट वेल्यूटो रोसो, दैट्स रेडिश कलर। देन यू हैव ब्रुकलिन ब्लैक, एंड देन आपको मिलता है हेजलनट। तो हेजलनट तो मेरे फेवरेट है, बिकॉज आई लव हेजलनट कॉफ़ी। तो साथ साथ में कलर भी काफ़ी मतलब मेरे को सही लग रहा है ये। सो कलर ना सबको अपना अपना पसंद एक एक होता है, जिससे सबसे मेरा भी पसंद ये है। सो ये बात करते हैं, लेट्स सी व्हाट्स ओके। सो वी हैव ऑल द स्पेसिफिकेशंस हियर, गाड़ी किस चीज़ से बनी है। आप लोगों ने मेरा रिव्यू वीडियो तो देखा होगा, तो सिमिलर जी यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यू हैव ऑल द स्पेसिफिकेशंस हियर। एंड ओके, अंडर सीट 18 लीटर्स का है, काफ़ी बड़ा यार। 90 किलोमीटर का आपको रेंज मिलता है इको मोड में। देन यू हैव 80 किलोमीटर्स इन स्पोर्ट मोड, विच इज़ अमेजिंग। नाउ बैटरी इज 2.884 किलोवाट आर का आपको बैटरी मिलता है। सो अभी व्हाट्स देयर नेक्स्ट, एक बार देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट ओके, तो यहाँ पे आपको गाड़ी मिल गया यहाँ पे, तो जो कलर आपको चाहिए, फॉर एग्जांपल जैसे से कि मेरे को कलर दूसरा चाहिए, तो आई कैन चूज अनदर कलर, चेंज कलर करता हूँ मैं, जाता हूँ यहाँ पे, कंटिन्यू करते हैं, कलर चेंज हो गया। तो अभी व्हाट आई कैन डू इज आई कैन डू अ 360 व्यू ऑफ दिस स्कूटर। तो मतलब हर एक एंगल से स्कूटर कैसे दिखती है मुझे यहाँ पे समझ में आ जाएगा। साथ ही साथ आई कैन ऑल्सो लुक एट द यूनिक फीचर्स हियर। तो यूनिक फीचर्स में क्लिक करूँगा तो की फॉब फीचर, जैसे कि की फॉब कैसा है, तो जैसे क्लिक करूँगा तो ये दिखा देता है आपको क्या क्या मिलता है आपको यूनिक फीचर्स। सो यू कैन सी हियर, एंड उसी यूनिक फीचर्स का आपको यहाँ पे वीडियो मिल जाता है। सो इन डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है। द नेक्स्ट थिंग दैट आई वांट टू शो, काफ़ी जो इंटरेस्टिंग लगती है मुझे, दैट इज़ हिस्ट्री। तो हिस्ट्री तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यू हैव द होल हिस्टोरिकल टाइमलाइन ऑफ हाउ द चेतक हैज़ इवॉल्वड। तो यहाँ पे है हमारा कल, देन यहाँ पे आपको मिलता है हमारा चेतक, देन हियर अगेन यू हैव हमारा कल एज इन द फ्यूचर, द पास्ट, देन चेतक वॉज काइंड ऑफ यू नो द स्टोरी ऑफ चेतक, देन द फ्यूचर व्हाट्स गोइंग टू हैपन, द फ्यूचर इज हियर, दिस इज द इलेक्ट्रिक चेतक। एंड ये देख रहे हो 1972 में स्टार्ट हुआ था, एन आइकॉन इज बॉर्न, चेतक लॉन्च्ड फॉर ग्लोबल मार्केट्स। व्हाई, आपको पता ही है, आप लोगों को आपने देखा होगा कि आपके डैड या आपके दादाजी ने जब अपने स्कूटर चलाया होगा, तो इट मस्ट बी यू नो दैट ओल्ड स्कूटर फॉर श्योर जब स्टार्ट हुआ था। एंड देन हियर वी हैव द 2019 के आगे जस्ट देखा है, द इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन बिगिंस, सो दैट्स द फ्यूचर। बट एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैंने देखा है, मतलब सारे स्कूटर्स तो यहाँ पे डिस्प्ले पे रखा हुआ है, बट व्हाट्स इंटरेस्टिंग इज ये देख सकते हो आप, यहाँ पे एक लॉन्च है। तो लॉन्च का मतलब आपको दिखाता हूँ, फ़ायदा क्या है, थोड़ा स्टेप्स आपको चढ़ना पड़ेगा, एक कार्डियो भी हो जाएगा
बट आई शो यू गाइस व्हाट्स इंटरेस्टिंग. तो ये आप देख रहे हो मतलब काफ़ी मतलब खूबसूरत सा एक लॉन्च उन्होंने बनाया है. दिस लॉन्च स्पेसिफिकली फॉर वन थिंग दैट इज नीचे अगर भीड़ है ओके एंड आपको कुछ प्राइवेट में डिस्कस करना है आपके फैमिली के साथ सो दैट यू नो कौन से गाड़ी कलर मतलब कलर कौन सा खरीदना है क्या करना है. फॉर दैट आप ऊपर आओगे आराम से यहाँ पे बैठोगे बैठ के आप डिस्कस करोगे. ये चीज़ इन्होंने मतलब बहुत एक सिक्योरिटी सा एक फीलिंग आपको आती है एंड ऑफकोर्स ऊपर आती है आपको एक चीज़ दिखेगी दैट इज़ लुक्स लाइक अ स्कूटर फील्स लाइक द फ्यूचर. सो ये चीज़ मुझे सही लगा. बस इतना सारा उन्होंने देख ही दिया है अभी तो आपको एक आइडिया मिलेगा चेतक का एक्सपीरियंस कैसा है. तो अभी अपन क्या करते हैं लेट्स गो एंड टेस्ट राइड दिस न्यू चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर. न्यू मतलब अभी हो गया कुछ दिन हो गए लेकिन अगर आप लोगों को पता है तो इसे न्यू बोल रहा हूँ मैं. लेट्स गो डाउन एंड एक्सप्लोर द चेतक राइट अवे. सो गाइस ये है एफसी रोड ये है चेतक और ये है चेतक का शोरूम राइट हियर द ब्यूटीफुल शोरूम. अपना एक्सपीरियंस तो देख लीजिए अभी अभी मैं क्या करता हूँ लेट्स टेस्ट राइड द बाइक स्कूटर द चेतक इलेक्ट्रिक राइट अवे. तो देखते हैं कैसा रहेगा मज़ा आएगा आई एम क्वाइट श्योर. एक बार मैंने किया है लेकिन ये अपग्रेडेड वर्जन है तो इसको भी मुझे जा के देखने का है. तो अभी क्या है ना गाड़ी न्यूट्रल पे है तो मुझे गाड़ी स्टार्ट करना कैसा है तो इसको आप दबा दो फिर डी दबा दो तो गाड़ी का आ गया इको ऑल ड्राइव. आई एम नॉट श्योर कैमरा में विजिबल है कि नहीं लेकिन लग तो रहा है कि दिख रहा होगा. तो लेट्स स्टार्ट क्योंकि मुझे तो क्लियर दिख रहा है. वो हो द टॉर्क टॉर्क एट इट्स बेस्ट मैन टॉर्क काफ़ी क्रेजी है इसका 20 nm का टॉर्क है बॉस. काफ़ी मज़ा आएगा आपको चलाते हुए गाड़ी को. सस्पेंशन सर रियल गुड मैन सिटी के लिए मतलब काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है ये सिटी. आप मतलब छोटे शहर कहीं पे भी आप इसको चलाने में काफ़ी ज़्यादा ईजी रहेगा आपको कोई दिक्कत नहीं होगा इस वॉट आई फील. सस्पेंशन सर गुड एंड सीट्स आर वेरी वेरी कम्फर्टेबल मतलब ऐसे सॉफ्ट है सीट्स तो आपको मतलब जो ऐसे छोटे छोटे खड्डे होते हैं ना इन खड्डों का ना आराम से ये सोक इन कर देती है. सही है बॉस लेकिन ये टॉर्क मुझे बहुत सही लग रहा है यार ये मतलब ऐसे खींचने की क्षमता भी गाड़ी की बढ़ जाती है ऐसे टॉर्क की वजह से. एंड हो मुझे एक चीज़ देखना था मेरा सीटिंग कंफर्ट कैसा है ये देखना था. टॉक वॉक तो बात कर दिया मैंने लेकिन सीटिंग कंफर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपको सिटी में जब चलाते हो गाड़ी को. तो वो टाइम पे मैं देख रहा हूँ कि मेरे जो पैर है काफ़ी कंफर्टेबली मतलब मेरा जो हाइट है 6 feet है 6 feet होने के बावजूद भी पीछे मतलब काफ़ी मतलब डिसेंट से जगह बैठा हुआ है पीछे की सीट पर तो कोई आराम से बैठ सकता है पीछे की सीट पर. एंड साथ साथ में मेरा जो पैर है मतलब इतना गैप मुझे यहाँ पर मिल रहा है विच इज़ अ गुड थिंग. एंड साथ ही साथ यहाँ पे क्या बोलते उसको मेरे हाथ जो है हैंडल बार्स के ऊपर काफ़ी कंफर्टेबली बैठे हैं मतलब मैं जैसे बैठा हूँ ऐसे बैठा हूँ कि मतलब एक स्कूटर पे एक अच्छी तरीके से जो कंफर्टेबली बैठते हैं ना ऐसे बैठा हूँ मैं कोई ऐसे ये नहीं है इसमें क्या बोलते हैं उसको एग्रेशन या मतलब अपने थोड़ा अनकंफर्टेबली बैठे हुए ऐसे कहीं पे भी नहीं लग रहा है मुझे. एंड थ्रॉटल बहुत काफ़ी खूबसूरत है इसका मतलब जैसे ही आप थ्रॉटल करोगे गाड़ी जो है मतलब वैसे भागना शुरू कर दिया बस. एंड साथ में एक चीज़ देखा मैंने इसे अनकंट्रोल्ड पावर नहीं है हाथ से निकल जाती है ऐसा नहीं हो रहा है मतलब काफ़ी कंफर्टेबली गाड़ी जो है आपको मतलब कंट्रोल हो जाती है आपकी तरफ से. एंड मिरर्स के बारे में बात कर रहे थे तो मिरर्स में विजिबिलिटी काफ़ी बेहतरीन है पीछे का मुझे पूरा क्लियर जी दिख रहा है एंड कोई वाइब्रेशंस नहीं दिख रहे हैं मुझे. मिरर्स काफ़ी स्टिफ लग रहे हैं मतलब सही तरीके से बैठा हुआ है. मिरर्स का डिज़ाइन इज़ गुड दिस इज़ दिस होल मेटल मिरर आई वुड से एंड नाइस पीसिंग मैन काफ़ी अच्छे से मतलब ब्रांडिंग को हर जगह पे एक चेतक का लोगो आपको दिख रहा है मतलब एक प्रीमियम सा प्रोडक्ट आपको फीलिंग आएगा ऐसे मुझे लग रहा है एटलीस्ट मुझे तो ऐसे फीलिंग आ रहा है. एंड अभी मैं कहाँ जा रहा हूँ यार सिटी में जा रहा हूँ चलो सिटी में जाते हैं हम लोग. नाइस ब्रेक्स काफ़ी बाइटी है बॉस इस गाड़ी का सामने का जो डिस्क है मतलब मस्त बाइट करता है. एंड पीछे का भी ब्रेक्स आर वेरी वेरी गुड ऐसे कोई भी एंगल में दिक्कत नहीं लग रही है मुझे ब्रेक में. ओहो नाइस सच अ ब्यूटीफुल स्कूटर मैन मतलब काफ़ी ज़्यादा पसंद आया मुझे मतलब यू नो व्हाट इंडिया में ना 3-4 स्कूटर से जिसको मैं काफ़ी ब्लाइंडली ट्रस्ट करता हूँ और इलेक्ट्रिक स्कूटर से और ये वो स्कूटर है जिसको मैं कम्प्लीटली ट्रस्ट करता हूँ. वाई बिकॉज ऑफ टू थिंग्स वन इज़ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस सेकंड थिंग इज़ द बिल्ड क्वालिटी थर्ड थिंग यहाँ पे घुसाना चाहता हूँ दैट इज़ आपने आज तक देखा है कहीं पे भी चेतक का कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं ऐसा कुछ हमने देखा है नहीं बॉस कुछ भी नेगेटिव नहीं है. वाई बिकॉज दिस इज़ अ स्कूटर विच मतलब अच्छा खासा R&D करके इन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया वो चीज़ मुझे सही लगा. जैसे फालतू में कुछ भी करके जोड़ के एक स्कूटर बना दिया ऐसे नहीं किया इन्होंने वो मुझे बहुत पसंद आया. सो दैट इज़ समथिंग विच यू नो एन इंडियन कंपनी लाइक बजाज कैन ओनली दे कैन थिंक अबाउट दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग विच आई फील. 4 kW का जो मोटर है काफ़ी मतलब सेंसिबल मोटर है काफ़ी ज़बरदस्त मोटर है ये. एंड ये मैं कहाँ पे पहुँच गया मेरे को कोई आइडिया नहीं है. हो SB रोड पहुँच गया मैं सही है बस. ये है पुणे का SB रोड इट्स कॉल्ड सेनापति पापट रोड. चलो SB रोड से हम लोग जाते हैं आगे
नाइस मैन। अभी काफ़ी भीड़ वाला रोड है ये, यहाँ पे आपको ट्रैफिक वैफिक बहुत कुछ मिल जाएगा यहाँ पे इस रोड में। वो चीज़ में ना बहुत मज़ा आएगा आपको, मतलब इस स्कूटर को देखे ऐसे, मतलब यू नो फिल्टर थ्रू करने में, क्योंकि गाड़ी जो है ना इसका फॉर्म फैक्टर जो है आप दूर से देखोगे ना काफ़ी बड़ा लगता है, लेकिन जैसे बैठोगे ना आपको लगता है कि यार बहुत ईजी टू कंट्रोल है, ऐसे कुछ दिक्कत नहीं है आपको, फीलिंग नहीं आती है कि यार शिट यार मैंने मिस कर दिया, शिट यार ये हो गया, शिट यार वो हो गया। चलो सिग्नल पे हूँ तो मैंने न्यूट्रल डाल दिया, गाड़ी को न्यूट्रल में रख दिया है, तो ड्राइव करते हैं, अभी सिग्नल खुल गया। बटन से वेरी इजी टू ऑपरेट, एक दो बार आपको नीचे देखना पड़ेगा फिर उसके बाद से आपको आदत पड़ जाएगी इसको ना। मतलब इनिशियली जब मैं यू नो राइड करना स्टार्ट किया तो वो टाइम पे मेरे को थोड़ा नीचे देखना पड़ रहा था, एंड नाउ आई एम वेरी इजी, मतलब यू नो बिना देखे मेरे को समझ में आ गया कि यार यहाँ पे ड्राइव आता है, यहाँ पे रिवर्स आता है, यहाँ पे नीचे न्यूट्रल आता है, ये सब मेरे को समझ में आ गया। सो वेरी इजी इंडिकेटर्स, मतलब लेफ्ट और राइट इंडिकेटर्स यहाँ पे दिया हुआ है, सो विच इज़ अ गुड थिंग। अगर आपको राइट पे मुड़ना है तो राइट का बटन दबा दो, लेफ्ट पे मुड़ना है तो लेफ्ट का बटन दबा दो। काफ़ी सिंपल सा मतलब बटन लेआउट किया है। हॉर्न इज़ गुड, हॉर्न इज़ नॉट टू लाउड, लेकिन गुड फॉर यू नो सिटी यूसेज में जो आप जब चला रहे हो वो टाइम पे काफ़ी सही लगता है हॉर्न आपको, मतलब ऐसे कुछ वो शॉर्ट कमिंग नहीं लगती हॉर्न में। ओ नाइस, क्या मज़ा आया बस इस रोड पे टर्न करते हुए। गाड़ी का ग्रिप जो है, गाड़ी का जो स्टेबिलिटी है काफ़ी मतलब बढ़िया सा लग रहा है मुझे। हाँ, कॉर्नरिंग वॉर्निंग तो नहीं करूँगा स्कूटर को लेकर कुछ सेंस नहीं बनता, लेकिन आप कर सकते हो बिकॉज द टायर्स आर गुड, टायर्स आर क्वाइट ग्रिपी मैं आपको बोल सकता हूँ। तो एक चीज़ को दिखाना था, गाड़ी का जो डिक्की है वो कैसे ऑपरेट करता है आपको दिखाता हूँ मैं। लेट मी पार्क इट एट द लेफ्ट, काफ़ी बड़ा 18 लीटर का डिक्की आपको मिल जाता है यहाँ पे पीछे। सो अगर मैं स्टैंड पे बिठा देता ना गाड़ी अपने आप न्यूट्रल पे चल जाती है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो ये डालने के बाद ना मेरे को बस ये दबाना पड़ेगा, यहाँ पे बटन है डिक्की ओपन करने का, ओपन हो गया डिक्की, ये देख रहे हो आप, ये बड़ा डिक्की है, आपका एक हेलमेट यहाँ पे आराम से बैठ जाएगा, यहाँ पे आप चार्ज कर सकते हो आपका जो गाड़ी है, यहाँ पे आराम से चार्ज कर सकते हो। इसमें बैटरी रिमूव करने का ऑप्शन नहीं है बिकॉज दैट डज नॉट मेक सेंस। आप सोचो ना इतना अच्छा स्कूटर देकर आप बैटरी निकाल के रोज़ घर जा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, क्या मतलब कितना बेकार लगेगा ना वो चीज़। तो यहाँ पे उन्होंने वो दिया नहीं है, अच्छा किया है बहुत, यहाँ पे एक लाइट दिया है। एंड एक चीज़ इंटरेस्टिंग फीचर आपको दिखाना चाहता हूँ कि सीट जो है ऐसे बंद नहीं होती है, ऐसे आपको मतलब ऐसे छोड़े से बंद नहीं होती है, आपको दबाना पड़ेगा, विच इज़ अ गुड थिंग बिकॉज आप कुछ सामान रख रहे हो, सीट आपके हाथ पे गिर गया, तो इन्होंने आपके सेफ्टी भी सोच के रखा है। एंड देन व्हाट डू यू हैव हियर, यहाँ पे आपको मिलता है एक हुक जो है, प्रेस कर दो तो आपको हुक यहाँ पे ओपन होगा, 3 kg मैक्सिमम वेट ये पकड़ देगा। एंड लेट्स स्टार्ट द स्कूटर, काफ़ी खूबसूरत सा लेदर फिनिशिंग का आपको स्कूटर यहाँ पे मिल जाता है, एंड वेरी नाइस, वेरी गुड प्रीमियम ग्रैब हैंडल्स। एंड वन मोर थिंग दैट आई लाइक अबाउट द स्कूटर इज, आपको दिखाता हूँ मैं, गाड़ी को ना ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है गाड़ी ऑफ कर दिया मैंने। तो अगर मैं जो स्कूटर है, स्कूटर को मेरे को ऑन करना है तो कुछ नहीं है, तो मैंने दबा दिया तो यार दो स्वाइप यहाँ पे मारती है, काफ़ी खूबसूरत सा लाइटिंग है इसका। तो ये करने के बाद मुझे कुछ करना नहीं है, चाबी जो है बस पॉकेट में रखना है एंड गाड़ी के ऊपर बैठ जाओ। बैठने के बाद गाड़ी का भी हैंडल खुला नहीं है, वाई, बिकॉज आपने अभी गाड़ी शुरू नहीं किया, लेकिन आपके हाथ में पॉकेट में चाबी होना ज़रूरी है, तो अभी गाड़ी शुरू कर दो। कुछ नहीं करना है आपको, बस ब्रेक दबा के डी पे दबाना है, एक बार डी पे दबाने से आपको मिलता है ड्राइव एंड इको पे चला जाता है, दूसरी बार डी पे दबाना स्पोर्ट मोड पे चला जाता है। तो आपको अब पे डिपेंड करता है कि आप कितना स्पीड भगाना चाहते हो गाड़ी को, तो आई वुड वांट टू राइट नाउ गो विद द स्पोर्ट मोड, तो इको मोड, सॉरी, तो इको मोड पे जाऊंगा। ओहो, तो ये आपने देखा, तो ये होता है आपका, मतलब ना एक छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट मैंने कि आपको दिखाया कि गाड़ी का कुछ ऐसे अच्छे फीचर्स मुझे जो सही लग रहे थे वो आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो एंड ऑफ कोर्स सामने आपको मिलती है एलईडी के हेडलाइट आपको मिल जाती है, एंड द इंडिकेटर्स एलईडी, एवरीथिंग इज एलईडी ऑन द स्कूटर, मतलब काफ़ी सही लगता है आपको चलाने के लिए, एंड काफ़ी प्रीमियम सा भी लगता है ऑफ कोर्स। सो अभी हम करते हैं एक छोटा सा टर्निंग डिस्टेंस ऑफ द स्कूटर, देखने की गाड़ी कैसे घूम पाती है एक छोटी सी रोड में। आप देख रहे हो ये छोटी सी पतली सी गली गली है, तो यहाँ पे मेरे को गाड़ी को घुमाने का है, तो लेट मी ट्राई डूइंग दैट विदाउट टचिंग माय फीट ऑन द ग्राउंड। तो वो ये रहा अपना स्कूटर और ये रही अपनी टर्निंग। हो भाई साहब, आराम से मुड़ गई वो स्कूटर ये, और भी छोटी रोड में मुड़ जाती है बिकॉज गाड़ी का जो व्हील बेस है ना उतना ज़्यादा लंबा व्हील बेस नहीं है, और ऊपर से हैंडल बार्स भी जो है ना काफ़ी मतलब यू नो ऑलमोस्ट मुड़ जाते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। सो आपको बहुत ईजी रहेगा। एंड एक चीज़ ऑब्जर्व किया मैंने और, कि ये जो हैंडल बार्स जब मुड़ते हैं ना तो पैर पर नहीं लगते यार, मतलब इतना अच्छे से डिज़ाइन किया है इन्होंने, मेरे पैर लंबे हैं
यू नो एज पर माई हाइट इट 6 feet, तो उसके हिसाब से भी मतलब वो नहीं हो रहा है. एंड वाइब्रेशंस के हिसाब से ऑफकोर्स यार वाइब्रेशन, तो ये IC इंजन नहीं है, तो इंटरनल कंबशन इंजन नहीं है, ये बैटरी पावर्ड मोटर्ड स्कूटर है. तो इसमें तो आप ऑफकोर्स यू नो एक चीज़ आप देख सकते हो कि यार वाइब्रेशंस तो होंगे नहीं फॉर श्योर. नाइस, मुझे ये चाहिए था यार, मतलब मेरे को प्रॉपर ट्रैफिक में देखना था कि गाड़ी कैसे घूम पाएगी. जैसे आप ब्रेक दबाते हो ना गाड़ी स्लो हो जाती है, मतलब ऑफकोर्स वो होना मतलब एक्सपेक्टेड है. लेकिन एक चीज़ देख रहा हूँ कि मतलब ये देख रहे हो, जस्ट आपने टच किया तो गाड़ी सेंस कर देती है कि बस पावर कट करने का है मुझे. तो जैसे ही मैंने टच किया तो वो पावर कट समझ देती है अपने आप. दिस इज़ अ नाइस यू नो नाइस फीचर आई वुड से, फीचर मतलब टेक्निकली अगर IC इंजन होती है तो जैसे आप ब्रेक दबाओगे अपने आप को मोटर को समझ नहीं आती है, आपको थोड़ा धीरे धीरे से आपको स्पीड कम करना पड़ता है. लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, आप बस टच करोगे तो स्पीड कम हो जाती है, विच इज़ अ रियली नाइस थिंग ऑन द स्कूटर आई कैन से. एंड गाइस, स्कूटर में आपको एक और चीज़ दिखाना था, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा एक फीचर है. आप लोगों ने मेरे रील पे देखा होगा लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, दैट इज़ यू हैव अ रिवर्स मोड ऑन द स्कूटर. रिवर्स मोड आप कैसे करते हो, काफ़ी सिंपल सा है. लेट मी गो हियर, ठीक है, यहाँ पे स्टॉप करता हूँ स्कूटर को. स्कूटर करके स्टॉप करके अभी मेरे को कुछ करना नहीं है, रिवर्स दबाने का है मुझे, ठीक है. रिवर्स मोड पर चला गया स्कूटर, तो जैसे ही मैं एक्सेलरेशन दूंगा तो गाड़ी जो है पीछे भागेगी. ऑलमोस्ट 3-4 किलोमीटर पर आर के स्पीड पे ये पीछे भागेगी, विच इज़ अ वेरी गुड आइडिया. बिकॉज अगर आप कहीं फंसे हो, जैसे ऐसे थोड़ा अप है, आपको पीछे जाना है गाड़ी को, तो आप रिवर्स मोड में डाल के पीछे खींचोगे तो मोटर आपको एक स्पेशल हेल्प करेगी पीछे खींचने में. अगर और तेज़ आप मतलब पीछे खींचना चाहते हो मतलब मोटर को, तो बहुत बार ऐसा होता है ना कि बहुत लोग गिर जाते हैं इतने स्पीड में. तो 3-4 किलोमीटर इज़ अ वेरी गुड स्पीड, मैं आपको बोल सकता हूँ, हर कोई कंट्रोल कर सकता है उस स्पीड को. तो अभी मैं क्या करता हूँ, ओके बीप आ रहा है बिकॉज आपको बता रहा है कि वार्निंग दे रहा है कि रिवर्स मोड में है स्कूटर. बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि भूल जाते हैं, फिर धीरे धीरे एक्सेलरेशन पीछे जाके गिर जाते हैं, तो उस चक्कर में वार्निंग दे रही है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. तभी मैं क्या करूँगा, डी पे दबाऊँगा ब्रेक दबा पे, तो डी पे गई तो इको मोड में चली गई स्कूटर. नाइस, सो गाइस ये था एक मेरा छोटा सा एक राइड एक्सपीरियंस स्कूटर के बारे में. स्कूटर काफ़ी कंफर्टेबल है, काफ़ी मतलब बढ़िया सा फिट एंड फिनिश है, तो क्वालिटी इज़ अमेजिंग. शॉर्ट कमिंग्स तो मुझे कुछ भी नहीं लग रहा है गाड़ी के ऊपर. एंड ऑफ कोर्स दिस स्कूटर में आपको मिलती है रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम, मतलब जितना जितना ब्रेक दबाओगे उतना तो बैटरी थोड़ा थोड़ा आपका चार्ज होता रहेगा. वो जो पावर लॉस होगा ब्रेक दबाते ही, तो वो पावर आपको रीजनरेट हो जाएगा व्हेन यू ब्रेक, एंड विच इज़ अ गुड थिंग. सो आपको वो एक एडवांटेज आपको स्कूटर में मिल जाती है. सो गाइस, दिस वाज इट फॉर द वीडियो. थैंक्स अ लॉट फॉर दिस वीडियो. And let's go towards the end of the video. So guys, this was it for the video. मैं आशा करता हूँ कि गाड़ी का जो वीडियो था आपको पसंद आया है. अगर आपको पसंद आया तो बताए आपको क्या करना होता है. You can visit the center here, the experience center on FC Road. Book your scooter if you want to test ride it and enjoy. So guys, thanks a lot for watching this video. As usual, I'd like to end this video with Jai Hind, Vande Mataram.